तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मस्त मस्त से किचन डेकोर DIYs। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BCB। तो चलिए अब फटाफट से बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये एक प्लेन MDF कटआउट जो कि है फ्रॉम क्राफ्टोलॉगर। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इन सब के लिंक्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जेसो अप्लाई कर दिया है, उसके बाद मैंने मोल्डेड क्ले को लेके थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट किया है, बहुत ही सिंपल रखा है। जब ये सब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम इसको यहाँ पर पेंट कर लेंगे। पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये ग्रीन कलर एंड ब्लैक कलर से इसको पेंट कर लिया है। अब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा लिपस्टिक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कितनी बार हम बहुत सारे लिपस्टिक्स ट्राई करते हैं बट एट द एंड मज़ा नहीं आता। क्या आपको भी मेरी तरह मैट लिपस्टिक्स अच्छे लगते हैं बट टेंशन होती है ड्राई लिप्स की एंड पूरे दिन कैसे कैरी करें? खाते पीते लिपस्टिक एट द एंड निकल ही जाती है। बट अगर ऐसा ना हो तो मामा अर्थ ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स, जिसमें है इंटेंस मैट फिनिश जो हमारे लिप्स पे 12 आवर्स स्टे करने के साथ साथ हमें कंफर्टेबल फील भी कराता है। इट ग्लाइड्स लाइक बटर, गिविंग सॉफ्ट एंड स्मूथ लिप्स इन जस्ट वन स्ट्रोक, एंड एक मैट फिनिश भी देता है हमें पूरे दिन के लिए। ये स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ भी है, विच मीन्स आपको सारा दिन टचअप्स करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इट्स मेड सेफ सर्टिफाइड, विच मीन्स इट्स फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल केमिकल्स। इट्स कम्प्लीटली सेफ टू यूज़ एवरी डे। इट्स 12 आवर्स लॉन्ग स्टे, इंटेंस मैट कलर पे ऑफ, लाइट वेट एंड कम्फर्टेबल फील, एंड इट्स ऑल्सो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। इसमें है जोजोबा ऑयल विच हेल्प्स टू स्मूदन एंड सॉफ्टन द लिप्स। इसके साथ साथ इसमें है विटामिन ई विच हेल्प्स टू मॉइस्चराइज आवर लिप्स। ये इतना लाइट वेट है कि आप इसको सारा दिन कैरी कर सकते हैं जस्ट लाइक 9 to 9। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ट्राई करिए एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और ये आपको सुपर अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है, जस्ट ₹399। एंड मामा अर्थ का प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव तो आपको पता ही है, जिसमें जब भी आप कोई परचेस करते हैं तो वो आपके परचेस को एक प्लांट से लिंक करते हैं एंड उसे प्लांट करते हैं, एंड बाय 2025 इनका टारगेट है 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल एंड मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड इसके साथ साथ अब हमारे लोकल शॉप्स में भी ये अवेलेबल है। अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू2023 यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा, बट ये ऑफ़र सिर्फ मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप पर ही अवेलेबल है। अब चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं वरना आप मुझे भर भर के गालियाँ देंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने इसको पेंट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पोस्का मार्कर्स। तो मैंने बहुत ही हिम्मत करके फाइनली इसे परचेज़ किया है एंड इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप एक दो शेड्स लाइक ब्लैक एंड वाइट ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हो जाता है आपका काम। तो अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक पुराना बेलन है जिससे मैं अपने क्ले को बेलती थी एंड उससे कुछ DIYs बनाती थी। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि थोड़ा क्ले चिपका हुआ है, तो इसको अच्छे से मैं सबसे पहले क्लीन कर दूँगी, उसके बाद मैंने यहाँ पे जेसो अप्लाई किया है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ परचेज़ करें, मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक बार शेयर किया था कि होममेड जेसो चॉक पेंट्स वगैरह कैसे बनाते हैं, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ आपको फेविकॉल एंड कुछ एक्रिलिक कलर्स चाहिए एंड आपकी ये सारे मटेरियल्स फटाफट से रेडी हो जाएंगे। हाँ, टैल्कम पाउडर भी चाहिए। तो यहाँ पर डिज़ाइन में काफ़ी रैंडम कर रही हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि क्या पेंट करूँगी, बस ऐसे ही जो कलर मुझे सामने दिख रहा था वो उठा रही थी, पेंट कर रही थी। एंड यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट जो पोस्का मार्कर्स हैं उनसे थोड़ी सी डिटेलिंग की है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि काम बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, हाईली रिकमेंडेड। एंड ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता वार्निश या पानी से, बहुत ही अच्छा आपको एक रिज़ल्ट देता है। उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे 3 ये हुक्स इंस्टॉल कर दिए हैं एंड ऊपर की तरफ मैंने रस्सी बांध दी है दोनों जो हैंडल्स हैं वहाँ पे, एंड बस हमारा जो ये बेलन का हैंगर है वो रेडी है। अच्छा, आप वार्निश अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे ऐसे चौकी इफ़ेक्ट ही चाहिए था, मुझे अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे वार्निश अप्लाई नहीं किया है, बट मैं फ्यूचर में ज़रूर इस पे वार्निश अप्लाई कर दूँगी।
अब अपने थर्ड आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये एक MDF ट्रे। आप कोई भी पुराना ट्रे, प्लास्टिक का ट्रे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आप MDF का नया ट्रे मार्केट से परचेस करके लाएं। वेल बता दूँ, अगर आपको ऐसा ट्रे चाहिए तो दिस इज़ फ्रॉम क्राफ्टोलॉगर। इनकी जो MDF रेंज है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ चॉक पेंट्स मैंने यूज़ किए हैं, एंड ये जो डिकोपाच पेपर है ये भी क्राफ्टोलॉगर का ही है, तो उससे मैंने यहाँ पे इसको बहुत ही ईजिली डेकोरेट कर लिया है। पहले मुझे लगा था कि पता नहीं ये पेपर कैसा होगा, कहीं ये नॉर्मल प्रिंटेड पेपर तो नहीं है, ये एक डाउट था मेरे अंदर। बट इसका जो फिनिश आया है वो बहुत ही बढ़िया था, मतलब मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। तो जो पेपर था वो मेरे पास सिंगल शीट थी, इसलिए मैंने थोड़े कंजूसी से यूज़ किया है। सेंटर पार्ट पे मैंने स्टिक किया है, एंड इस तरीके से मैंने बॉर्डर्स में भी पेस्ट कर दिया है। अंदर की तरफ मैंने न्यू चॉक पेंट यूज़ किया है, एंड उसके बाद हम ऊपर की तरफ एक मॉड पॉज का लेयर और अप्लाई करेंगे, एंड जब सब कुछ कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम वार्निश भी करेंगे। बिल्कुल भी वार्निश स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रे है, आपको इसको डेली रूटीन में यूज़ करना है। अगर आप इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको वार्निश अप्लाई करना ज़रूरी है। लास्ट में मैंने एक छोटा सा एडिशन किया है जूट रोप से, मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया है, लाइक जो इसके हैंडल्स थे इनको बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर दिया है, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। आजकल मेरा थोड़ा सा ना डिज़ाइन चला गया है थोड़ा सिंपल एंड सोवर की तरफ, तो आजकल आप खुद ही देख रहे होंगे कि काफ़ी क्लासी डिज़ाइंस मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए बातों बातों में हम अपने अगले क्राफ्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक पुराना मेरे पास नेम प्लेट था, कोई ऑर्डर था, बट मैंने एक ब्लंडर कर दिया था, मैंने स्पेलिंग एरर्स किए थे, तो मैंने सोचा कि अब इसको चेंज करके उनको देने से अच्छा है कि मैं कुछ नया डिज़ाइन उनको बना के दूँ। एंड जो मेरे क्लाइंट थे उनको पता भी नहीं चला कि मैंने कोई ब्लंडर किया था। जब मैं नाम चेक करने गई कि एक बार चेक कर लेती हूँ कि स्पेलिंग सही है कि नहीं, तो स्पेलिंग्स मैंने गलत डाल दिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब एक नया डिज़ाइन बना देते हैं। तो इसी MDF प्लैंक मैं यहाँ पे रीयूज़ कर रही हूँ, एंड ये डेको ट्रांसफ़र शीट मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, लाइक 1.5-2 साल तो हो ही गए। ये मैंने इट्से बिट्से से लिए थे, तो सिंपली मैंने यहाँ पे जैसो अप्लाई किया, एंड उसके बाद मैंने जो डेको ट्रांसफ़र शीट था उसको कट करके स्टिक कर दिया है। अब मुझे इस शीट को अपने बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड करना है, तो मैंने पहले यहाँ पे ये जो चॉक पेंट यूज़ किया ये बहुत अच्छे से नहीं जा रहा था, तो थोड़ा और एक सिमिलर शेड मैंने यूज़ किया है, एंड उसके बाद अपने इस प्लैंक को कम्प्लीटली पेंट कर लिया है। अब थोड़ी सी और यहाँ पे डिटेलिंग मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से थोड़े से लीव्स वगैरह ऐड कर लिए हैं, थोड़े से मैं डॉट्स बनाऊँगी, थोड़े फ्लावर्स को पेंट करूँगी, सो दैट कि ओवरऑल एक कंप्लीट आर्ट लगे, ऐसा ना लगे कि हमने एक स्टिकर यहाँ पे स्टिक कर दिया और बस हमारा काम ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से मैं इसको कम्प्लीटली इसके साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब कितनी बार क्या होता है ना कि जब हम कुछ बना रहे होते हैं उसमें से एक्स्ट्रा क्ले बच जाती है तो उसका मैं कोई शेप बना के रख देती हूँ, कितनी बार रेजिन बच जाते हैं तो मैं इस तरीके से मोल्ड्स में उनको फिल कर देती हूँ, एंड जब वो ड्राई हो जाते हैं तो इस तरीके से एम्ब्लिशमेंट्स मेरे रेडी हो जाते हैं, सो दैट कि जब मुझे इनको अचानक से यूज़ करना पड़े तो मुझे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट ना करना पड़े, मेरे पास ये रेडी हो जाते हैं और इनको मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। तो इनको मैंने सिंपली पेंट कर लिया है एंड सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से इस तरीके से स्टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे दो हुक्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, आप चाहे तो जो स्टिक ऑन वाले आते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो प्रिंटर पेपर होता है A4 साइज़ का, उनको लेके इस तरीके से कट कर लिए हैं पतले पतले स्ट्रिप्स, एंड उसके बाद एक पुराना पेन था मेरे पास, आप पेन, पेंसिल, ब्रश, स्टिक, डावल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने ये डबल साइडेड टेप स्टिक करके अपने पेपर्स को इस तरीके से रोल कर लिया है, सो दैट कि ये एक कम्प्लीट रोल बन जाए। सारे पेपर्स को मैं एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करते हुए रोल कर लूँगी, एंड उसके बाद थोड़ा सा काम इसमें बच गया था उसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। जो बॉर्डर्स थे उनको मैंने गोल्डन कलर से पेंट कर लिया है, एंड नीचे की तरफ मैंने एक लेस जो रिबन होती है उसको स्टिक किया है। ऊपर की तरफ स्टिक नहीं करना है हमको, रिबन को पीछे की तरफ एंड साइड की तरफ स्टिक करना है, ऊपर की तरफ हमको पेपर को इंसर्ट करना है। तो पीछे ये अच्छा नहीं लग रहा था, बाई चांस अगर कभी किसी ने हाथ में उठा के देख लिया तो वो पीछे मेरी पोल खुल जाएगी कि मैंने कुछ रीयूज़ किया है, तो इसलिए मैंने इसको भी कवर कर दिया है, सो दैट कि एक
अच्छा लुक आए। उसके बाद यहाँ पे जो चाहें आप लिख सकते हैं, मैंने सिंपली जो मुझे आया समझ में वो मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा किचन मेमो बोर्ड रेडी है। तो हमारा लास्ट जो DIY है वो सुपर क्यूट DIY होने वाला है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मोल्डेड क्ले एंड जो उसमें रेजिन एंड हार्डनर था उसको हम आपस में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको रोलर पिन की हेल्प से या किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस तरीके से फ्लैट कर लीजिए, उसको राउंड शेप में कट कर लीजिए जो भी साइज़ आपको चाहिए। उसके बाद आप कोई भी कनकेव सरफेस ले लीजिए, छोटा कनकेव सरफेस, एंड उसके ऊपर अपने क्ले को इस तरीके से रख दीजिए सो दैट कि ये आपको एक प्लेट का शेप ले ले। उसके बाद हम यहाँ पे और कुछ छोटे छोटे सर्कल्स कट कर लेंगे एंड इसके बाद इसको भी हम थोड़ा सा ओवल शेप देंगे, फ्लैट कर लेंगे रोलर पिन की हेल्प से। अब इसको हम डिवाइड बाय टू कर लेंगे। हाफ में कट करने के बाद हम इसको समोसे का शेप देंगे। तो अंदर फिलिंग भी ज़रूरी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं छोटे छोटे क्ले के टुकड़े एंड उसको अंदर मैंने इस तरीके से प्लेस करके समोसे का शेप दे दिया है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ऐसा कुछ बनाऊं, बट क्या हो जाता है ना कि जब भी मैं बनाती हूँ तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाती हूँ एंड किचन DIYs मेरे को बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और भी बहुत सारे मैग्नेट आइडियाज़ हैं मेरे पास, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे मैग्नेट्स बनाना बहुत पसंद है बट टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत सारे कमिटमेंट्स हो जाते हैं इसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही हूँ, बट अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारे जो शेप्स थे वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको आपस में स्टिक कर देंगे इस तरीके से, जैसे भी आप चाहें वैसे प्लेस कर लीजिए। एक बार जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम इसको कर लेंगे पेंट। पेंट जो प्लेट एंड बोल है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है कि कैसे आपको पेंट करना है, एंड जब सब कुछ कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम इसको कर देंगे वार्निश। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये एक छोटा सा क्यूट सा वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ येस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।